आज संपूर्ण देश के अंदर पॉलीथिन के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है और आवाज़ को उठाने के लिए जो तमाम सामाजिक धार्मिक लोग इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस तरह का जो सहयोग चारों तरफ से पूरे देश में मिल रहा है पॉलीथिन के खिलाफ, ये निश्चित रूप से एक अपने आप में अद्भुत घटना। पॉलीथिन के बारे में अभी हमारे साथियों ने जो कहा पॉलीथिन के विरोध के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किसी चीज़ को समाज से जो खराब चीज़ है उसका उन्मूलन कैसे हो, जिसमें कमल सिंह चौहान जो बॉल है एक विशेष NGO चला रही है एस्कॉम एक्सिल फाउंडेशन। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि समाज में अपने लिए तो सब जी लेते हैं, किसी ने कहा है कि क्या कहें अश्वाद कार्य नुमाया कर गए, बी ए किया नौकरी के लिए पेंशन लेने के मर गए। निश्चित तौर पर एक कमल सिंह चौहान का जो काम है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और मैं समाज से अपील करता हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कई दिन से इनसे मिलना भी चाह रहा था क्योंकि इनका मैंने काफ़ी सुना है और ये जो सिम्बॉलिक इन्होंने बनाया है कि हम क्योंकि विवेक शक्ति मनुष्य के पास ही होती है, क्योंकि हमें पर्यावरण सुरक्षित रखना है, जानवरों को सुरक्षित रखना है, एक मनुष्य के पास ही विवेक है। और ये पॉलीथिन जो जड़ चीज़ है हम अपनी भलाई के लिए इसको नहीं रोक सकते, इन्होंने जो सिम्बॉलिक किया है कि सब पर हंस रही है, हमें सिर्फ विशेष तौर पर बहुत प्रभावित हुआ। और निश्चित तौर पर जब हम सिम्बॉलिक को रद्द करते हैं तो उसको समाज के बच्चे बड़े जब देखते हैं तो उनकी दृष्टि वहाँ जाती है और वो सिम्बॉलिक चीज़ एक दिन आगे जाकर एक ऐसा सिंबल बन जाती है कि लोग उसको यूज करते हैं और किसी उसको देखते ही ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ का विरोध करना है। निश्चित तौर पर ये जो उन्होंने बनाया है कि एक पॉलीथिन पे मतलब आप पर हंस रही हैं तो बहुत प्रभावित हुआ। और निश्चित तौर पर मैं दोबारा से अपील करूँगा कि एक अच्छे काम की सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो केवल मिशन को शुरू कर सकता है लेकिन उसको अंजाम तक अगर हम ले जाएँ तो कमल सिंह चौहान का जो विशेष कार्य है वो समाज के लिए वो हितकारी है, कल्याणकारी है और निश्चित तौर पर प्रेरणा की स्रोत है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे जाकर मैं निश्चित तौर पर तन्मन धन से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूँगा, उनका सहयोग करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह। तो आप क्लिनिक चलाते हैं हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ। क्या नाम है हॉस्पिटल, कहाँ है? श्रीजी हॉस्पिटल यमुना ब्रिज मथुरा। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ आज पॉलीथिन समाज के लिए अवसाद बन गई है तो उस बारे में आपका क्या विचार है? ये वाकई बहुत ही खतरनाक पदार्थ है और ये हमारी ज़िंदगी के हर मिनट में हर चीज़ के लिए जुड़ गया है, चाहे वो कंटेनर हो या पानी की बोतल हो या कोई भी चीज़, और सिंगल यूज या डिस्पोजेबल जिसको कहें वो बड़ा ही हानिकारक है। हम लोग सड़क पर फेंक देते हैं, सड़क से वो नदी में चला जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। आज पॉलीथिन से जानवरों पर बहुत प्रभावित हो रहा है, उस बारे में क्या कहना आपका? सड़क पर डालने पे पॉलीथिन की थैलियों को भूख के मारे जानवर खा जाते हैं और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आप मानते हैं कि पॉलीथिन से बहुत बीमारी फैल रही समाज के अंदर? पॉलीथिन बीमारियों का बेस बन गया है और तमाम तरह के इन्फेक्शन तमाम तरह की बीमारियाँ पॉलीथिन से फैल रही हैं। अंत में जानना चाहेंगे जो कोमल जी काम कर रही हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कोमल जी का NGO बहुत सुंदर काम कर रहा है। कोमल जी 18-20 घंटे पॉलीथिन को हटाने के प्रयास में सभी लोगों से मिल रही हैं और ये बहुत ही सुंदर प्रयास है, हम इनकी प्रशंसा करते हैं और अपना आशीर्वाद। डॉक्टर साहब ये प्रतीक चिन्ह जो है आपके हाथ में, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यह प्रतीक चिन्ह कोमल चौहान जी ने बनाया है, वह बहुत ही सुंदर सार्थक है और पॉलीथीन के हटाने के लिए एक ऐसा प्रयास है जो कभी पहले देखा नहीं गया। मैं कोमल चौहान जी की बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं उनके लिए कामना करता हूं समाज के लिए कि वो इस तरह के और इनोवेटिव चीज़ें सामने लेके आए जिससे समाज का अति भला हो। बताइए सर, ये आज चिन्ह जो आपके हाथ में है कि किस खुशी में है? ये चिन्ह आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है जो ये बताता है कि समाज को पॉलीथीन को दिनों में नहीं, सालों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में छोड़ देना चाहिए। और कोमल जी का ये जो प्रयास है, प्रथम बार मैं इस तरह का प्रयास देख रहा हूँ कि किसी प्रतीक को लेकर के कोई बहुत विद्वान आदमी समाज में आ रहा है। डॉक्टर साहब
मैं जानना चाहता हूँ क्या आप अपने हॉस्पिटल से की शुरुआत करेंगे पॉलिथीन की समाप्ति की? मैं अपने अस्पताल से पॉलिथीन का प्रयोग 2 अक्टूबर से ही छोड़ चुका हूँ और कोमल जी का जो एनजीओ है उसके साथ मैं हूँ और हर तरह का सहयोग करूँगा और मैं अस्पताल के काम छोड़ करके भी पॉलिथीन को हटाने के लिए उनका सब तरह का सहयोग करूँगा। मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी। आप पॉलिथीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? पॉलिथीन के बारे में ये कहना चाहते हैं अगर मथुरा से पॉलिथीन प्रतिबंधित हो जाए तो सबसे बढ़िया काम हुआ। इससे गाय खाती है, गायों को बीमारियां होती हैं, लोग भी इसको ले जाते हैं, एक बार यूज करने के बाद सड़कों पर फेंक देते हैं, नालियों में जमा हो जाती है, सिल्ट जमा हो जाती है, यमुना में भी बह करके जाती है नालों के माध्यम से, तो वहाँ भी सिल्ट गंदी हो जाती है, यमुना का पानी भी गंदा हो जाता है। पहले हमने भी अपने माध्यम से जितना चलाया जा सकता था इस कार्यक्रम को चलाया था और मथुरा से करीब 70% पॉलिथीन बंद हो गई थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और लोगों का रुझान देख करके वो कुछ ले दे करके ऐसे ही सब काम चलता ही है, फिर से चालू हो गई। अब तो ये चाहती आई हुई हैं, इन्हें ये चिन्ह दिया है और हम अपनी दुकान पर चिन्ह को लगाएंगे कि हमें क्या सारी दुकानों पर लगना चाहिए ये चिन्ह, जिससे कि सबको मालूम हो जाए कि ये चिन्ह जो लगाता है वो पॉलिथीन का विरोधी है। आप पॉलिथीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? पॉलिथीन एक तरह का हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिससे कि हमारी गायें भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, वो खा जाती हैं उसको, हमारी जमुना मैया वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डंप हो गई है उसकी वजह से, और उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनके लिए तो नुकसानदायक है ही है ना। और क्या कहते हैं कि पॉलीथीन वाकई मतलब डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ भी नहीं है, कि डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है, इको फ्रेंडली चीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस पॉलीथीन को लेकर के कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, एनवायरनमेंट ख़राब करके जा रहे हैं हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जलाने पर वातावरण और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है ना। और मैं कोमल जी से भी ये कहना चाहती हूँ कि ये इस अभियान में जुड़ी हुई हैं और इसमें हमें भी अपने साथ जोड़ रही हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस तरह की जो एनजीओज हैं वो आगे आएँ और हम लोगों को भी अपने इस काम के लिए लें, कि भी हम भी इस अच्छे अच्छे कामों में इनके साथ जुड़ें। और पॉलीथीन को लेके आज मैंने वाकई में पहली बार मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत कुछ अच्छा काम इन्होंने बहुत शुरू किया है। थैंक यू कोमल जी की आपके लिए कि आप इस तरह के अभियान से जुड़े हैं और हमें जोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और मैं ये चाहूँगी कि मैं अपनी शॉप पे इसको भी लगाऊँ, और पिछले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब मेरी शॉप को खुले हुए 6-7 साल हो गए हैं और मैं इस चीज़ को जानती थी कि भाई ये पॉलीथीन आज नहीं तो कल तो बंद होनी चाहिए, तो मैं शुरू से ये देखिए मैं जब से मेरी शॉप शुरू हुई है मैंने उसी दिन से इसको अपने यहाँ पे यूज़ किया है, इको फ्रेंडली पॉलीथीन से। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपने यहाँ आज से और अभी से इसको अपने यहाँ रखें और शुरू करें, और अपने अपनी जो पीढ़ी है उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छा सोच के थोड़ा काम करें इस पर और पॉलीथीन को बिल्कुल बैन करें। काम क्या है सर? देवेंद्र उपाध्याय। आप पॉलीथीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पॉलीथीन इस समय देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये पर्यावरण के लिए दूषित करती है और जिससे हमारे आने वाले जो मानवीय जीवन है इस पर इसके बहुत बड़ा संकट की तरह है। अगर इस पर समाज ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, जो एक क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए वृक्षों की ज़रूरत होती है और एक अच्छी उर्वरक जब ज़मीन होगी तभी हम अच्छी क्रॉप्स भी ले सकते हैं, तो ये एक ज़मीन को भी दूषित करती है। और क्योंकि इसमें ऐसे ढेर सारे रासायनिक, जब हम कोई गर्म यानी तरल पदार्थ गर्म जब पीते हैं तो जिससे हमें एक फिजिकली भी बहुत नुकसान होते हैं और एक कह सकते हैं हम कैंसर जैसी बीमारी जो बहुत खतरनाक बीमारी है, और कैंसर ही नहीं बल्कि अनेक बीमारियों को जन्म देती है, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कह सकते हैं अवशाप की तरह है। और अगर समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मेरा मानना ये है कि ये हमारे पर्यावरण को पूरी तरीके से दूषित कर देगी और जिसका समाधान करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। आपका नाम क्या है? श्याम शंकर सिंह चौहान।
आपके पॉलीथिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पॉलीथिन के बारे में आज कोमल जी ने एक अपना लक्ष्य बनाया है, इस पॉलीथिन को जड़ से ख़त्म करना है। इस पॉलीथिन ने हमारे समाज को आज तक बहुत रोक दिए हैं, कई गायों के पेट में जाके हत्याएँ भी इस तरह से हुई हैं। मैंने वेटनरी कॉलेज में अपनी आंखों से देखा है, डॉक्टरों ने गाय के पेट से 2-2 किलो पॉलीथिन निकाली। बड़ा कष्टकारी उस दिन मुझे लगा, डॉक्टर एक गाय का पेट फाड़ के उन्होंने 2 किलो जो पॉलीथिन निकाली थी, तब मेरे अंदर ये विचार भी आया था कि काश किसी बच्चे के पेट में अगर ये चली जाए तो उस बच्चे की क्या हालत होगी। मैंने भी सोचा कि इस पॉलीथिन के लिए मैं कुछ करूं, लेकिन इसका प्रकोप इतना बढ़ गया था कि मेरे समझ में नहीं आया था कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज बड़ी खुशी हुई है कि कोमल चौहान जी ने एक ये बीड़ा उठाया है, इस तरह का इन्होंने एक आज सिंबल हमारे सामने पेश किया है। उनका मकसद है कि हमारे देश की जनता, हमारे शहर की जनता, हमारे गांव की जनता जागरूक हो और उनके इस लक्ष्य में अपनी भागीदारता भी करें और उनके अच्छे विचारों को सुने, उनके अच्छे जो इस पे कार्य कर रही हैं उनकी एक संस्था उससे जुड़ें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका इसी तरह से हम लोग अगर मनोबल बढ़ाते हैं तो निश्चित ही ये बीमारी खत्म की जा सकती है। सर आपका नाम क्या है? राम नरेश उपाल। आप पॉलीथिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पॉलीथिन के बारे में कोमल जी जो मिशन लेके चल रही है आज पॉलीथिन के खिलाफ, उसका मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पॉलीथिन की जो समस्या है ये मानवीय सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खेत से लेकर शहर तक, नालियों तक, खेत में भी जहाँ पॉलीथिन गिर जाती है तो बीज अंकुरित नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भूख में ये जो गाय हैं, बछड़े हैं और जो सांड हैं वो इस पॉलीथिन को भूख में खा जाते हैं और ये पॉलीथिन डाइजेस्ट नहीं होती है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इससे जो गोवंश है, इस गोवंश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और गोवंश ख़त्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज जो चलन में आ चुका है कि जैसे पहले हमारे यहाँ जो मिट्टी से बने शपूरा और बर्तनों में जो भोजन करते थे पत्तलों पर, वो परंपरा भारत की सभ्यता के हिसाब से और यहाँ के जो समाज के और जनमानस के हिसाब से बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पॉलीथिन या प्लास्टिक के कप में हम चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, उसका जो अंश है वो उसमें चाय में चला जाता है, कॉफ़ी में, जिससे कि मनुष्य के लिए कैंसर हो रहा है और वो कैंसर आज संसार के अंदर लाइलाज है। इसका यहाँ से लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक कोई इलाज नहीं। तो मैं इसमें जो मिशन है कोमल चौहान का, उसमें मेरी तरफ से भरपूर सहयोग रहेगा और मैं इसके लिए पुनः इनका बहुत वेलकम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मधुसूदन शर्मा। आप पॉलीथिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा पॉलीथिन के बारे में कहना है कि आज पॉलीथिन देश के लिए अभिशाप बन गई है और इस पॉलीथिन से केवल मानव नहीं, जीव जंतु, जानवर सभी प्रभावित हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा असर पूरे पर्यावरण पर पड़ रहा है। पॉलीथिन एक ऐसी बीमारी है कि इससे आदमी अगर यूज करता है उसके लिए भी परेशानी है और इसको यूज करके थ्रो कर देता है उसके बाद जानवरों के लिए बहुत परेशानी, जो बोल नहीं पाते हैं, बिना बोलने वाले जो जानवर हैं वो उसको खा लेते हैं और उनके पास उनके जो पेट में कई बार ऑपरेशन हमने भी देखे हैं यहाँ वेटनरी कॉलेज में होते हैं, 20-30 किलो पॉलीथिन एक गाय के पेट से निकलती है, कितनी दुख की बात है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए, इस पे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए और जैसे कोमल चौहान है इस आंदोलन को लेके चल रही है, इन्होंने एक ये प्रण किया है कि शहर से, गांव से, हर जगह से पॉलीथिन समाप्त होनी चाहिए। इनका बहुत अच्छा अथक प्रयास, सार्थक प्रयास है और ऐसा प्रयास हर भारत के नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप में ये नहीं सोचेंगे कि पॉलीथिन हम यूज नहीं करेंगे, केवल एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, जब तक पॉलीथिन जड़ से समाप्त नहीं होगी। जड़ से समाप्त जब ही होगी पॉलीथिन, जब हम अपने आप में सोचेंगे कि हमें पॉलीथिन का यूज नहीं करना है और अपने आप में के बाद भी हमें लोगों को समझाना है कि इस पॉलीथिन से ये कारण है, इन कारण से इन पॉलीथिन को यूज मत करिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कोमल सिंह चौहान को, इन्होंने ये एक बहुत अच्छा
मिशन किया है और इनका मिशन सफल हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मेरा नाम नलिनी सिंह चौहान है। आप पॉलीथीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पॉलीथीन के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ कि पॉलीथीन एक बुरी कैंसर की तरह बीमारी है और इस बीमारी को दूर कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ पॉलीथीन हो या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ें हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको या तो जला देना चाहिए या फिर किसी चीज़ से दबा देना चाहिए। और पॉलीथीन से बस बुरी बीमारी। आपका नाम? मेरा नाम पॉलीथीन है जी। और मैं पेशे से व्यापारी हूँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी पॉलीथीन बैन के लिए क्या राय है? मेरी राय ये है सरकार से, और मैं गुजारिश करूँगा सरकार से, खाली पॉलीथीन बंद करने से ही पॉलीथीन का निवारण नहीं हो जाता जी। इनको पॉलीथीन मुक्त अगर करना है तो पॉलीथीन जैसे जितने भी ब्रांड हैं उस पे सारे पे इनको लगाम लगाना पड़ेगा। जैसे कोको कोला आती है या पेप्सी आती है, लिमका आती है, किस चीज़ में आती है? प्लास्टिक में आती है जी। बोतल किस चीज़ की होती है? प्लास्टिक की होती है। कुरकुरे किस चीज़ में आता है? प्लास्टिक में आता है। नटखट बच्चों के लिए आता है, प्लास्टिक में आता है। बिंगो आता है, वेफर्स आते हैं, ये सब सारे प्लास्टिक में आते हैं। यहाँ तक कि चॉकलेट, कैडबेरी और भी डेयरी मिल्क जितने भी ब्रांडेड चॉकलेट है सब प्लास्टिक में आते हैं जी। तो खाली कैरी बैग प्लास्टिक बंद करने से ही इसका निस्तारण नहीं है जी। बिल्कुल सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जितने भी ब्रांड है, जितने भी इस ब्रांड के प्रतिष्ठान है, जहाँ पे इसकी फैक्ट्रियां हैं, कम से कम मैं समझता हूँ गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद, सारी जगह जितने भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पे, जितने भी इस प्रकार के राज्य है वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए, ना कि छोटे छोटे प्रतिष्ठानों पे छापा मार के कोटा पूर्ति करना चाहिए। कोटा पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को जो है प्लास्टिक बैन करना है तो सारे इन ब्रांड को बंद करने पड़ेंगे, जो कि सारे ब्रांड प्लास्टिक में यूज होते हैं, चाहे वो पतंजलि के हो गए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो गए, चाहे वो होम्योपैथिक हो गए, बहुत से ब्रांड प्लास्टिक में आते हैं। और जब तक प्लास्टिक बैन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं बना, और प्लास्टिक में सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसलिए प्लास्टिक बंद करने से ही काम नहीं है, प्लास्टिक संबंधी जितने भी ब्रांड है, जितने भी यूजेबल चीजें हैं, उनको सारे को बैन लगाना जी। हमारी संस्था जो है ये इसी के लिए काम कर रही है, जो प्लास्टिक से चीज बनी हुई चीजें हैं, जैसे आपका स्ट्रॉ हो गया, आज हम कहीं भी पेप्सी ले लीजिए, जूस ले लीजिए, वहाँ पे एक पाइप यूज किया जाता है, स्ट्रॉ पीने के लिए यूज किया जाता है, वो भी एक सिंगल प्लास्टिक में यूज होता है जी, जी। तो जो सिंगल प्लास्टिक में यूज होता है हम उसको सभी को बैन करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उसके लिए राय क्या रखेंगे? मैं इसलिए कहता हूँ कि उन चीजों की, जैसे अभी माननीय गडकरी जी ने बहुत अच्छी पहल की है, बांस का बोतल उन्होंने बनाया जी, उसी तरह कोई ऐसा उपकरण ले आया जो कि हमारे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले। घर की महिलाएं हैं और भी कुटीर उद्योग आते हैं, तो उससे लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कोई ऐसी कोई चीजें लेके आए जो कि प्रकृति वातावरण को भी नुकसान न पहुंचे और काम हो। और इस तरह की जैसे भी प्लास्टिक है, ये रावण रूपी प्लास्टिक है, ये रावण रूपी प्लास्टिक है, अगर आप इसको चला देंगे, जैसे दशहरे पे किसी पाप का अंत होता है, किसी रावण का अंत होता है, बुराइयों का अंत होता है, अच्छाई आगे बढ़ती है, ऐसे ही प्लास्टिक रूपी जो रावण है इसको हमें जलाने हैं। पर जलाना कब है? इसकी अच्छाइयाँ नहीं जलानी, इसकी बुराइयाँ जलानी। रावण के अंदर भी अच्छाइयाँ थी, तो हमें जो ये रावण रूपी जो प्लास्टिक है इसको जलाना है, इसको हमें हाथ नहीं लगाना है। जहाँ भी हम जिस प्रतिष्ठान पे देखें कि यहाँ पोलोथीन होता है, हम उस प्रतिष्ठान से सामग्री ना खरीदें, चाहे वो पंचूरी की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे साड़ी की दुकान हो। हमें अगर खरीदना उसी दुकान से जहाँ पे कपड़े यूज होते हैं। अगर इस प्रकार प्लास्टिक कोई भी विक्रेता देता है, कोई भी अगर किसी प्रकार का दुकानदार देता है, उस दुकान से सामग्री ना ले, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी और दुकानदार हो। तो कपड़े के अगर पोलोथीन यूज करता है, कपड़े की हम लोग कोमल जी हैं ये जो लेके आई हैं, इस प्रकार का अगर किसी भी दुकान पे लगा देखिए, समझ लीजिए वहाँ पे प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा है। मैं इस प्लास्टिक में रखा हुआ इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके लिए कह रहा हूँ जहाँ भी लगा हुआ उसको समझ जाएगा आप लोग कि इस दुकान पे प्लास्टिक यूज नहीं होता है। और मैं ये निर्देश दूंगा कि आप लोग कपड़े का पॉलीथीन इस्तेमाल करें, कपड़े को इस्तेमाल करें, ये पूरी तरह से एकदम प्रकृति को पूरी तरह का हानि नहीं पहुँचाएगा। आप कपड़े का प्लास्टिक यूज करने की कोशिश करें, मेरा यही संदेश है। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं सबको, और नेहरू जी का भी है, जितने भी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, राज्य में, जिले में जितने भी लोग हैं, अगर इस वीडियो को देखें तो पॉलीथीन का बहिष्कार जरूर करें। अगर सब्जी लेने जाते हैं थैला लेके जाएं, अगर वो दूध लेने जाते हैं तो छोटी सी अपने बर्तन लेके जाएं, थोड़ा सा कष्ट जरूर करें। हमारे आपका पहल है, हमारा देश है, इसको सुंदर और स्वच्छ बनाए। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम?
मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह श्री जी हॉस्पिटल यमुना ब्रिज मथुरा से हूँ और आज की इस इंटरव्यू में मैं पॉलीथीन को स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ तथा उसके विकल्प के रूप में कागज, मिट्टी, एल्युमिनियम और अन्य पदार्थों से बने हुए थैले या कंटेनर या पानी की बोतलें प्रयोग में लेना चाहिए। यह मानवता को और मनुष्य को बचाएगा। आज पॉलिथीन समाज में एक अभिशाप बन गई है, इसके बारे में क्या कहना है? कोमल चौहान इस समय हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंडित मधुसूदन शर्मा जी, अपनी बाड़ी से कुछ अच्छे शब्द बोलना चाहते हैं। गौरव भाई, आप जिस एनजीओ से जुड़े हुए हैं और जिसमें आपकी सहयोगी कोमल चौहान जो काम कर रही हैं, वो वाकई में बहुत सराहनीय काम है। आप लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये मिशन आपका कामयाबी हो, सफलता मिले, क्योंकि पॉलीथिन एक समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और इसके लिए आप काम कर रहे हैं जनपद में और ये आप प्रदेश में देश में भी करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इसके लिए तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी तन्मयता से लगे हुए हैं और उसी की एक कड़ी में आप भी काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि मुझे राष्ट्रकवि दुष्यंत की वो पंक्ति याद आ रही है, वो मैं आपके इस प्रेरणा स्रोत काम के लिए कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से हिम पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से हिम पिघलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी लगे लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस तरह से कोमल चौहान जो काम कर रही है, वाकई में ये वही पंक्ति चरतार्थ हो रही है इनके मिशन को लेके। इनका भी यही मकसद है कि कोशिश इनकी ये है कि समाज में अभिशाप है वो समाप्त हो और पॉलीथीन बिल्कुल जड़ से समाप्त हो, समाज में जो बुराई फैली है उसको जड़ से खत्म करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इनका मिशन, इनकी कोशिश, इन्होंने जो किया है वो सफलता की ओर अग्रसर हो, इनको सफलता मिले, बहुत बहुत बधाई करता हूँ। मेरा नाम लाली चतुर्वेदी। आप पॉलीथीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? पॉलीथीन एक ऐसा कलयुगी असत थामा है जो जिस जगह बैठ गया, खेती हो, जल हो, हर जगह को प्रदूषित करने वाला। साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हर तरह से हानिकारक है, हर क्षेत्र में हानिकारक है। पानी अगर इसमें भरा जाएगा तो पानी वेस्ट है, खाने का पदार्थ रखा गया तो वो वेस्ट है। आदमी समझता नहीं है, पुरातन चीज़ों को भूल रहा है और इस पॉलीथीन ने आज तरह तरह की बीमारियाँ दे दी हैं। हमारे बीच में कोमल जी आई है इस पॉलीथीन अभियान को लेकर। जिस दुकान पर ये चिन्ह लगा हुआ दिखे, ये सिंबल दिखे, तो ये समझना है कि ये पॉलीथीन का विरोध हो रहा है और ब्रजमंडल में कहीं हो या नहीं हो, लेकिन ब्रजमंडल में ये होना ही चाहिए क्योंकि कृष्ण की नगरी में पॉलीथीन की वजह से जो दूषितता हो रही है वो कुछ एक हद से ज़्यादा है।